लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों पर सवाल उठाए। जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है तो ये पूरी पलटन, ये महामिलावटी लोग सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठाने के लिए आगे आ जाते हैं। ये लोग इतने नीचे गए हैं कि देश के सेनाध्यक्ष को भी गली का गुंडा कहते हैं, गली का गुंडा। इन्होंने शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ मोदी हटाओ के एकमात्र एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस, डीएमके एंड देयर महामिलावट अलायंस हैज नो विजन फॉर मिशन फॉर द नेशन। देयर ओनली ग्लू इज हेट्रेड फॉर मोदी। डे एंड नाइट दे से वन थिंग, रिमूव मोदी, रिमूव मोदी, रिमूव मोदी। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के थेनी में भी रैली को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोगों ने डीएमके और कांग्रेस का अंत करने का मन बना लिया है। उन्होंने महागठबंधन को मिलावटी बताया। उन्होंने कहा कि महामिलावटी देश के विकास के लिए काम नहीं कर रही है। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों को पैसा देगी। गरीबों के खाते में हर साल 72,000 रुपए यानी कि 5 साल में 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं बंगलुरु का, जहां से हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, बेहद दिलचस्प है ये पूरा मुकाबला। प्रधानमंत्री की भी आज वहां पर रैली थी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी रैली थी। क्या कुछ खास बातें इस रैली में सामने निकल कर आईं? जी हाँ अमृता, आज प्रधानमंत्री मोदी की भी कर्नाटका में रैली थी, वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की भी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव इलेक्शंस जो असेंबली के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए नहीं है, बल्कि एक नए भारत के लिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जहाँ कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस परिवारवाद को आगे बढ़ाता है, वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की बात करती है। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी जितने किसान हैं उनको साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों पर फोकस करेगी और साथ ही ये कहा कि एक अलग बजट भी वो किसानों के लिए लाएगी। देखिए, दोनों रैलियां बेहद अहम थी इन पार्टियों के लिए, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के करिश्मे के चलते और उनकी जो वाक्पटुता है उसके चलते कर्नाटका में 2014 से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है बीजेपी का। और बीजेपी को उम्मीद है कि जिन 27 सीटों पर वो लड़ रही है उनमें से तकरीबन 20 से 21 सीट वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चलते जीत सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस जेडीएस अलायंस की बात करें तो देखिए, कई दिनों से उनके कोलिएशन में एक जो अनइजीनेस थी वो सामने आई, तो इस बार जो कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने मंच साझा किया, अपने वर्कर्स को एक ये संदेश देने के लिए दिया कि कांग्रेस और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण रैलियां थी दोनों ही पार्टी के लिए। जी अमृता, बिल्कुल। कृति, 28 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य की अगर मैं बात करूं, दिलचस्प मुकाबले की, क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं और जो मुद्दे खासकर यहाँ लोगों के जहन में हैं, आपके लोगों से मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल
जी हाँ अमृता, देखिए कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसको ड्यूअल वोटर्स का स्टेट कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो एक पार्टी को सत्ता देते हैं स्टेट में, वहीं दूसरी पार्टी को सत्ता देते हैं केंद्र में। तो इसीलिए बीजेपी का कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में, और साथ ही साथ बीजेपी का मानना है कि जितनी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसका काफ़ी फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उसने अपना मैनिफेस्टो बनाया है लोग उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो देखिए, अगर मैं सिर्फ बेंगलुरु की ही बात करूँ तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रैफिक है, जिस तरह की यहाँ पर लेक्स हैं, जो उसमें गंदगी है, और साथ ही साथ जो पानी की कमी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्नाटका में। क्योंकि देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि जिस तरह की स्थिति केपटाउन में हुई थी वैसी स्थिति भारत में कर्नाटका में हो सकती है। तो पानी की जो कमी है वो भी जो मतदाता हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। अमृता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकृति इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये मुद्दे लोगों के जहन में रहेंगे जब वोट करने के लिए निकलेंगे। और इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने बदायूं में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर विपक्ष देश की रक्षा नहीं कर सकता। अभी अभी पुलवामा में हमला हो गया, 10 साल तक पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये मायावती और अखिलेश का समर्थन था, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और आकांत दिलाते थे, कोई जवाब दिया नहीं था। अमित शाह ने शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पुलवामा हमले का हमने बदला लिया तो बुआ भतीजा की जोड़ी सदमे में आ गई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आज एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की रैली हुई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यह कहा कि मोदी सरकार ने जो कुछ अच्छे दिन लाने के वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। महागठबंधन की रैली को अखिलेश यादव और अजीत सिंह ने भी संबोधित किया। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को अपना वोट ना देकर उनकी पार्टी को वोट दे। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत हैं लोग उसे ही वोट करें। और सीपीएम खाली केरला में कुछ है और हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, और कांग्रेस वो भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा स्टेट में जिसमें उसका है उसमें उसको करने दो, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिधर में हम है स्ट्रांग क्यों आप कांग्रेस को वोट देंगे, जिधर में चंद्रबाबू नायडू है और जो रीजनल पार्टी है क्यों आप और किसी को वोट देंगे। ऐसा हम चाहते हैं बिहार में लालू जी आगे बढ़े, हम चाहते हैं यूपी में मायावती जी, अखिलेश यादव, अजीत सिंह आगे बढ़े, हम चाहते हैं तमिलनाडु में जो रीजनल पार्टीज है आगे बढ़े।